जब विपिन और प्रभा गांव छोड़कर शहर में बसने जा रहे थे, माँ तुम भी हमारे साथ शहर चलो ना, मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं यहीं रह लूंगी, मुझे मेरा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं यहीं रहूंगी। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, गंगा है ना मेरे साथ, ये मेरा ख्याल रखेगी। पर अगर आप हमारे साथ चलती तो ज्यादा अच्छा होता और हमारा भी मन लगा रहता। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े आराम से यहाँ रह लूंगी। तुम लोग शहर जाकर अपनी गृहस्थी बसाने की सोचो, और विपिन तुम अपनी बड़ी नौकरी की चिंता करो, मेरी नहीं। और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। विपिन और उसकी पत्नी ने आशीर्वाद लिया और दोनों शहर के लिए निकल पड़े। गांव में बुढ़ी माँ अकेली रह गई थी अपनी नौकरानी गंगा के साथ। गंगा घर का सारा काम करती थी, जैसे साफ सफाई, खाना पकाना और वगैरह वगैरह। क्योंकि गंगा उनके घर में कई सालों से काम कर रही थी तो बुढ़ी माँ को गंगा पर बड़ा विश्वास था। अपना काम खत्म करके गंगा बुढ़ी माँ की सेवा भी किया करती थी। काम खत्म कर गंगा घर चली गई। क्या बात है, आजकल तुम लेट आ रही हो। काय सांगू, वो बुढ़ी माँ के पाँव दबाने पड़ते हैं। क्या है कि उनका बेटा और बहू शहर गए ना, अब वो बेचारी अकेली है। मतलब बिल्कुल अकेली? हाँ। अगर बुढ़िया अकेली है तो कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना के लाया करो, उसे कहाँ कुछ पता चलेगा। वैसे भी अपने घर का रूखा सूखा खा के मैं ऊब चुका हूँ। ठीक है, कल कुछ बना के लाती हूँ। अगले दिन गंगा काम पर गई। उसने सारा काम खत्म करके अपने पति के लिए खीर भी बनाकर घर ले आई। फिर ये सिलसिला चलता रहा और गंगा रोज कुछ ना कुछ अपने पति के लिए बनाकर घर ले आती थी। देखते ही देखते गंगा के पति का लालच बढ़ने लगा। उसने गंगा को अब खाने के अलावा घर की चीजें लाने बोली। गंगा ने भी अपने पति की बात मान ली। एक दिन गंगा ने कुछ चम्मच उठा ली, दूसरे दिन एक पीतल का लोटा, तीसरे दिन कोई और बर्तन। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन बुढ़ी माँ अपने पूजा घर में अपना चांदी का चम्मच ढूंढ रही थी। गंगा, अरे ओ गंगा, मेरा चांदी का चम्मच कहाँ है? माँ जी वही होगा, कल तो आपने ही रखा था। बुढ़ी माँ ने बहुत ढूंढा पर उन्हें चम्मच नहीं मिला। अगले दिन बुढ़ी माँ अपना पीतल का लोटा ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिला। तब बुढ़ी माँ ने सोचा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, ये सारी चीजें अपने आप कहाँ जा सकती हैं? कुछ दिन बाद वो बुढ़ी माँ एक सपेरे से मिलने गई और उन्होंने उस सपेरे से एक पालतू सांप खरीद लिया और उस सांप को एक बक्से में भर लिया। और फिर वो बुढ़ी माँ वो बक्सा घर ले आई। गंगा, इस बक्से को मेरे सिरहाने रख दे, इसमें सोने के कंगन हैं। वो मेरी बहन की बेटी की शादी है ना कल, मैं उसके घर जाकर उसे ये दे दूंगी उपहार में। ठीक है माँ जी। गंगा ने वो बक्सा बुढ़ी माँ के तकिए के पास रख दिया और वो अपना रोज का काम करने लगी। लेकिन दिन में कई बार उसका ध्यान उस बक्से पर गया। उसके मन में सोने के कंगनों का लालच था। शाम को गंगा बुढ़ी माँ के पैर दबाने लगी और फिर बुढ़ी माँ सो गई।
जैसे ही बुढ़ी माँ सोई, गंगा का लालची रूप बाहर निकला और उसने वो बक्सा खोला। बक्से में सांप देखकर गंगा घबरा गई और वो यहाँ वहाँ भागने लगी। बुढ़ी माँ उठ गई और उन्होंने वो सांप पकड़ा और उसे फिर से बक्से में रख दिया। मुझे पता था कि तुम ही चोरी कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे तुम्हारी चोरियों का पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब तुम खाना ले जाया करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि खाना ही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम्हारा लालच बढ़ गया और तुमने चोरियां करनी शुरू की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। गंगा फूट फूट कर रोने लगी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि लालच हमें गलत रास्तों पर ले जाता है, जैसे गंगा लालच के कारण चोरियां कर रही।